हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपना हाइट बढ़ाना चाहते हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, एंड इस वीडियो से आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं एक फैक्ट बताने वाला हूं जो कि 100% ट्रू नहीं है, मुझे लगता है, मैंने देखा है, ठीक है, कि इससे हाइट इंक्रीज नहीं होता। तो ये 100% ट्रू नहीं, पहले कह रहा हूं 100% ट्रू नहीं है, फिर भी वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, फिर आप लोग बताना कि ऐसा होता है या नहीं होता। तो आप लोग बताना कि ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है। तो मैंने देखा है कि अगर किसी का फुट साइज पूरा ग्रो कर जाता है ना, तो उसका हाइट नहीं बढ़ता है। देखो, जब आप प्यूबर्टी हिट करते हैं क्या होता है ना, आपका बॉडी बहुत तेजी से ग्रो करता है, लेकिन किसी किसी का बैड लाइफ स्टाइल के कारण उनका हाइट ग्रो नहीं हो पाता है। आप देखना, किसी किसी का हाइट ज्यादा नहीं होता, लेकिन उनका जो फुट रहता है भाई, इतना बड़बड़ रहता है। मेरा हाइट है 5 फुट 11 इंचेस और मेरा फुट साइज है 8, ठीक है, 8 का जूता पहनता हूं। और सिलेंडर का हाइट है 5 फीट 5 इंचेस, लेकिन ये भी 8 नंबर का जूता पहनता है। तो क्या आप फुट साइज से डिटरमाइन कर सकते हैं? देखो, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आपका फुट का साइज 1.5-2 सालों से नहीं बढ़ा है, प्यूबर्टी हिट करने के बाद, प्यूबर्टी आपने हिट कर लिया है और 1.5-2 सालों से आपका फुट का साइज नहीं बढ़ा है, फिर आप डिटरमाइन कर सकते हो कि आपका हाइट और इंक्रीज नहीं होगा प्यूबर्टी हिट करने के बाद। अगर आपने प्यूबर्टी हिट नहीं किया है या अभी प्यूबर्टी हिट किया है, तो भाई 2 साल के लिए और इंतजार करो, जो जो मैं आपको करने बोलता हूं आप करो। एंड फुट साइज और एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, आपका जेनेटिक्स। जैसे मेरा जो फुट साइज है, मेरे मम्मी का है, मेरे मम्मी का फुट साइज उतना ज्यादा है नहीं, तो मेरे को छोटा वाला पैर मिला, ठीक है, फुट ज्यादा मेरा बड़ा है नहीं। और सिलेंडर का जो फुट साइज है, किसका, पापा के मिला है, तो इसका हाइट तो छोटा है लेकिन भाई फुट बड़ा है। एंड यहां पर मैं आपको और एक चीज कहना चाहता हूं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनका फुट साइज ना बड़ा बड़ा है, लेकिन जब वो प्यूबर्टी हिट करते हैं तो फुट साइज और बड़ा हो जाता है। तो आप ये सोच कर मत बैठे रुके, अरे यार मेरा फुट तो बड़ा हो चुका है तो मेरा हाइट नहीं बढ़ेगा। देखो, आप जैसे प्यूबर्टी हिट करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका हाइट और बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका फुट का साइज भी और बढ़ेगा। तो फुट साइज इज डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक्स, कि आपको किसका फुट मिला है। जैसे मेरा फुट का साइज भाई छोटा छोटा है, ठीक है, ज्यादा बड़ा जूता मैं नहीं पहनता हूँ, और इसका फुट साइज भाई छोटा हाइट है लेकिन फुट इतना बड़ा बड़ा है। तो यहाँ मैं कुछ आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे घर में एक बच्चा है जो कि रेंट में रहता है, उसका फुट का साइज ना भाई, जैसे मेरे हाइट का है, वो कम से कम 2-3 इंच मेरे से छोटा है, लेकिन उसका जो पैर का साइज है ना भाई, फुट का, एकदम। एज कितना होगा, कितना एज, कितना एज? 14-15 होगा, मतलब भाई बच्चा है, ठीक है, 14-15 साल है भाई, ठीक है। प्यूबर्टी हिट किया है? प्यूबर्टी हिट नहीं किया अभी तक। तो उसका जब प्यूबर्टी हिट करेगा तो फुट कितना बड़ा होगा भाई, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, और एक चीज कहना चाहेंगे, उसका जो ये है ना भाई पंजा, वो भी भयानक लंबा लंबा है। मेरा एक दोस्त है, उसका जूता का साइज 11, ठीक है, उसका पैर इतना बड़ा पैर, ठीक है, मेरा इतना, मेरे से थोड़ा हाइट ज्यादा होगा, इतना बड़ा बड़ा पैर है भाई। बोले भाई, अगर फुटबॉल खेलता ना, जब खेलता भाई, बॉल का शॉट मारता है, बॉल भाई मिडफील्ड से मारता ना, धन से जाता भाई, इसको फुट इतना बड़ा बड़ा है, तो उसका एडवांटेज मिलता है। और जूता उसको इजीली मिलता नहीं, वो सऊदी से मंगवाता जूता, ठीक है। बताओ क्या बताना, और बताना चाहेंगे आप लोगों के, ऐसा मत सोचिएगा कि अगर मेरा जैसे कि फुट साइज बड़ा है, तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि मेरा हाइट नहीं इंक्रीज होगा, हाइट भी इंक्रीज होगा और फुट का साइज भी इंक्रीज होगा। अरे बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत डिमोटिवेट, कि आपका वीडियो देखे यार डिमोटिवेट हो गए, मेरा फुट तो बड़ा है, मे बी जेनेटिकली आपका फुट बड़ा है, आपका हाइट बढ़ेगा। तो हाइट बढ़ाने के लिए भाई जो मैं कहता हूँ उसको करना, ठीक है, आपका हाइट जरूर बढ़ेगा। आपका अपना भाई जो है ना भाई, मेरा छोटा छोटा फुट है लेकिन हाइट ज्यादा है, ठीक है, ये भाई, ठीक है, इनका फुट बड़ा है, हाइट छोटा है, तो फूड के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। और अगर आपका फूड बहुत दिनों से नहीं बढ़ रहा है, 1.5-2 साल हो गया नहीं बढ़ रहा है, यहाँ से और एक चीज कहना चाहते हैं, बोलो। मेरा तो भाई ठीक है, फूड साइज बड़ा है, ये देखिए, ये साइज छोटा है लेकिन फूड साइज बड़ा है, तो अभी तो मेरा हाइट तो ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि भाई ग्रोथ प्लेट तो बंद हो गया, क्लोज हो गया है। जो और एक वीडियो आएगा हैंड साइज के ऊपर, हैंड साइज के ऊपर, किसी का हैंड बड़ा रहता है, देखो मेरा हैंड ठीक ठाक बड़ा है, ठीक है, ऐसे करो, बहुत छोटा है, ठीक है, तो हैंड साइज मेरा बड़ा लेकिन फुट का उतना बड़ा नहीं है। तो किसी किसी का हैंड साइज बड़ा रहता है, फुट कम रहता है, तो भाई ये सब जेनेटिकली आता है कि आपको किसका हाथ मिला, पापा के मिला है, मम्मी के मिला है, किसी और के मिला है, तो ये सब जेनेटिकली रहता है। तो वीडियो को एंड करना चाहूंगा, ठीक है,
तो अब डिमोटिवेट मत होना कि फुट साइज मेरा ऐसा है भाई, मेरा हाइट नहीं बढ़ेगा, ठीक है, मत सोचो वो सब। बस मैं जो कहता हूँ अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, वर्कआउट करो, रेस्ट लो, जो जो मैं कहता हूँ, मोबाइल से दूर रहो, बाहर का खाना से दूर रहो, ये सब अगर तुम ठीक करते हो तुम्हारा हाइट बढ़ेगा, बस टाइम देना पड़ेगा। और एक चीज कहना भाई, आप लोग डीमोटिवेट मत होना भाई, वीडियो को देखो और मोटिवेट रहो, हमेशा मोटिवेटेड रहो। और एक चीज कहना चाहता हूँ, पहले ना इंडिया में बीजेपी का नामो निशान नहीं था इंडिया में, ठीक है, और अभी चारों तरफ बीजेपी, क्यों, एक ही इंसान के लिए, वो मोदी जी, उन्होंने ना मैदान में सभी को मार दिया और अकेले राज कर रहे हैं, पछाड़ दिया सब। क्यों, सक्सेस का रीजन क्यों है, ऐसा कोई दिन नहीं है उन्होंने मेहनत नहीं किया, बीमार होने के लिए भी टाइम नहीं है उनके पास। आपने कभी मोदी जी देखा है कि वो खांस रहे हैं, बीमार होकर पड़े हुए हैं? नहीं भाई, बहुत मेहनत ही है एंड सक्सेस का कारण यही है। तो मैं आपको यहां से क्या कहना चाहता हूं कि भाई एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे भाई आज मैं वर्कआउट नहीं करूंगा, आज भर खा लेता हूं, भाई एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। आप सक्सेसफुल तभी बनोगे जब आप एक एक दिन का इंपॉर्टेंस रखोगे, ठीक है, हर एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक दिन भी आपको फालतू नहीं गुजारना है, ठीक है, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो मैं इस चीज पर बिलीव करता हूं कि हर एक दिन मुझे मेहनत करना है। आपका जो ड्यूटी है उसको आपको 100% पूरा करना है, जो ड्यूटी है उसको करो, फिर आपको जो मन मर्जी करना करो, लेकिन ड्यूटी आपको 100% रहना चाहिए। जो आपको करना है, आपको पढ़ाई करना है तो है भाई, जो आपको सक्सेसफुल बनाता है उसको करो, जो आपका ड्रीम है उसको पाने के लिए कुछ भी करो। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा। मोटिवेटेड रहना, डिमोटिवेट हो जाओगे ना तो फिर तुम उस रास्ते पे नहीं रहोगे। मैं चाहता हूं कि मोटिवेटेड रहो और जो तुमने सोच लिया उसको कंप्लीट करके छोड़ना है, कंप्लीट करके, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना यार, थोड़ा सा लाइक करने में क्या होता है, अगर तुम थोड़ा सा लाइक करते हो तो मुझे खुशी फील होती है, मैं आपके लिए इतना ज्यादा कर रहा हूं, ठीक है, आप थोड़ा मेरे लिए नहीं कर सकते हैं। कमेंट करना, शेयर करना, तो मिलता हूं नेक्स्ट जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल, प्लीज बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।